मज़ेदार, कितनी टेस्टी ये बिरयानी है। आप देख सकते हैं मेरे मुंह में तो बहुत पानी आ रहा है कि दिल चाह रहा है जल्दी जल्दी से गरम गरम बिरयानी खाई जाए और मसा जाए जी। तो मैं 1 किलो की बिरयानी बना रही हूँ, तो मैंने 1 किलो के लिए आपने ये 2 बड़ी प्याज लेनी है, उसको इस तरह से करना है सुर्ख। ठीक है, जब इस तरह से ये सुर्ख हो जाए तो आपने इसमें डालनी है चिकन। कुछ बास लोग चिकन ज़्यादा खाते हैं और बास कम खाते हैं, तो आप अपने हिसाब से चिकन डालिए जिसमें आपने इसमें चिकन डालनी है। ठीक है, मैंने 1 किलो की बिरयानी बना रही हूँ तो उसमें मैंने 3 पाव गोश्त डाला है। ठीक है, इस तरह से इसको हमने, टाइम कम था इसलिए मैंने प्याज पहले से ही लाल कर ली थी, सिर्फ आपको दिखा दी है मैंने, और चिकन डाल दी है। अब हमें करना क्या है, इसको अच्छे से हिलाना है। इसके बाद हमें डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है उसको डालने से चिकन में जो स्मेल होती है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो आपने अदरक लहसुन के पेस्ट में इसको 5 मिनट के लिए हिलाना है। ठीक है, देखें ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, भरकर डाला, और ये 1 और चम्मच मैंने, 2 चम्मच भरकर डाले हैं अदरक लहसुन के पेस्ट के। अब इसमें मैं अच्छे से इसको 5 मिनट तक भूनूंगी। इतनी प्यारी स्मेल आ रही है। आपने ये टिप जरूर इस्तेमाल करनी है, बास लोग करते हैं कि फौरन ही अदरक लहसुन नहीं डालते चिकन में, सारे मसाले डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारी ये चिकन होती है इसमें से स्मेल आती है। तो हमने करना क्या है कि अदरक लहसुन के पेस्ट में इसको अच्छे से 5 मिनट के लिए भूनना है। ठीक है, जब तक ये भून रहा है हम टमाटर पर आ जाते हैं। ये टमाटर है, ये देखिए, मैं अगर आपको नीचे निकाल के दिखाऊं तो आप क्वांटिटी चेक कर सकते हैं, क्योंकि बाउल के अंदर टमाटर सही नहीं दिखाई दे रहे थे कि हमने कितने लिए थे। देखें ये हैं 1 किलो के करीब। अच्छी बिरयानी बनाने के लिए परफेक्ट मसाला बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने 2 बड़ी प्याज ली है, चिकन ली है, अब ये लिया है मैंने 1 किलो टमाटर। उसके बाद फिर जाएंगे ये हैं क्या, आलू बुखारा। ठीक है, आलू बुखारा मुझे सारा नहीं डालना, मैं सिर्फ 5 और 6 इसके बीच डालूंगी। ठीक है, अब मुझे करना क्या, जब तक ये लाल हो रहा है हम चलें जल्दी से टमाटर को कट करते हैं। टमाटर को कट कैसे करने हैं, देखें इस तरह से गोल, ये देखिए इस तरह से गोल हम टमाटर को सारे कट करते हैं। चलें ये देखिए, ये हमने अदरक लहसुन में इसको इस तरह से भूना है, ये इस तरह से हो गया है। अब इसकी स्मेल इतनी मज़ेदार आ रही है, बिल्कुल दिल चाह रहा है कि बस, बहुत प्यारी स्मेल है, बिल्कुल भी हीट नहीं है। अब हमने ये देखें सारे टमाटर कट कर लिए हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारे हमने इस तरह से डाल दिए हैं। अब इसको हम हिला लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इसको हमने हिला लिया। अब हमें इसमें करना क्या है, ये देखें ये गरम मसाले हैं, मैंने ये 4 से 5 तेज़पात पत्ते लिए हैं, 2 फूल लिए हैं, ठीक है, बादियान के फूल, ये लकड़ी है, दालचीनी, ये बड़ी इलायची, ये 6-7 से 8 लौंगे हैं, और ये जाफरी है, इस तरह से हमने डाल दिए। ठीक है, अब हमें इसमें करना क्या है, मसालों पर आ जाते हैं, क्योंकि हम घर के मसालों की बना रहे हैं, हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, बाहर के पैकेट वगैरह कुछ भी नहीं। तो आप मसाले देख लें, ये पिसा हुआ धनिया है 1.5 चम्मच, कुटी हुई मिर्ची है 1 चम्मच, पिसी हुई मिर्ची है 1 चम्मच, काली मिर्ची है पिसी हुई 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच है जीरा सफ़ेद, हल्दी है 1/2 चम्मच से ज़रा से कम, और ये भरकर हमने 2 चम्मच 2.5 चम्मच भर के चाट मसाले के डाले हैं, क्योंकि चाट मसाले का फ्लेवर बिरयानी में बहुत टेस्टी होता है। ये सारे मसाले गए, अब आप देखें ये हैं आलू बुखारे। ठीक है, आलू बुखारे हमें इसमें कितना ऐड करने हैं, ज़्यादा नहीं, ये देखिए मैंने आपको कहा था मैं सिर्फ 5 या 6 करूँगी, मैंने इसमें किए हैं सिर्फ 5। अब मेन इन्ग्रीडियंट्स, ये देखिए ये हरी मिर्ची है, ये मैंने 7 से 8 हरी मिर्च ली थी, इसमें नमक डाल के इसको इस तरह से मोटा मोटा दरदरा से कूट लिया था। ये देखें ये घर की है बनी हुई मसालों की, बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल ही फ्लेवर इसका चेंज होता है। अब हम इसे अच्छे से हिला लेते हैं, हिला लेते हैं। थोड़ी फ्लेम हमने तेज की है,
अब हमने इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, क्योंकि टमाटर अपना पानी खुद छोड़ते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं नज़दीक से कितना मज़ेदार, कितना स्पाइसी लग रहा है। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी है ना, कि मेरे मुंह में तो अब भी से पानी आ रहा है, जबकि ये कंप्लीट भी नहीं हुई है। ये देखें, ठीक है, ये इस तरह से अब हम इसको कवर कर देते हैं ताकि ये अच्छे से रेडी होने के लिए तैयार हो जाए। इसमें इसलिए नहीं डाला है क्योंकि मैंने बताया आपको कि मैंने हरी मिर्ची नमक डालकर ही कूटा है, ठीक है। तो एक चमचा मैंने डाल के कूटा था, बाकी जब कम होगा तो हम बकाया ऊपर से डाल देंगे। तब हम इसको कवर कर देते हैं इस तरह से। अब हम मैं आपको चावल बता देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक बेहतरीन सी बिरयानी बनाना सिखाती हूँ, बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही मज़ेदार, वो है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल देगी बिरयानी। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, टाइम कम होता है इसलिए मैं सबसे पहले मैंने ये प्याज लाल कर ली है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये प्याज, ये 2 अदद प्याज है जो मैंने लाल कर ली है इस तरह से, ठीक है। आप देख सकते हैं फ्लेम को ऑफ कर दिया था कि प्याज जल ना जाए। अब जब ये इस तरह से ये प्याज हो जाए हमारी लाल, मैं बना रही हूँ 2 ग्लास यानी सॉरी 1 किलो की। अब हमें करना क्या है, जब तक हमारा कोरमा इस तरफ रेडी हो रहा है हम यहाँ कर लेते हैं चावल को बॉयल, ठीक है। तो ये हमने 1 किलो चावल लिए हैं, तो आप अंदाजे से पानी लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने अंदाजे से पानी ले लिया है, 1 किलो है चावल तो आपको डबल पानी डालना होगा, याद रखें। अगर 3 ग्लास थे मेरे, ये देखिए आप देख सकते हैं ये मैंने 3 ग्लास चावल है जो इस तरह से भिगो दिए हैं, ठीक है। तो अब इसको आपने डबल डालना है, मानी मतलब आप समझ जाएं तो 3 ग्लास होते हैं तो आप इसको डबल से डबल कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप तेजपात का पत्ता डाल दीजिए, क्योंकि क्योंकि गरम मसाला डालना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें चावल में स्मेल आती है, खुशबू आती है गरम मसाले की। तो हम गरम मसाला डाल के ही इसको अच्छे से बॉइल करेंगे, जोश देंगे। डालना है इसमें नमक, ठीक है। अब हमारे 3 ग्लास हैं, अब आप सुन लीजिए, 3 ग्लास चावल हैं तो हमने इसमें डालना है 9 इसलिए मैंने डाले हैं क्योंकि ये पानी फेंकेगा, ठीक है। इसलिए हमने 9 किए हैं ताकि प्रॉपर इसमें चावल के अंदर नमक बिल्कुल करेक्ट है। अब हम इसको कवर कर देते हैं बॉयल आने के लिए और वेट करते हैं। ये देखिए जनाब, अच्छे से ये कोरमा जो है ये रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, हमें इस तरह से टमाटर रखने हैं, पूरे घुटने नहीं है, क्योंकि हम जब बिरयानी बनाते हैं तो हमें टमाटर थोड़े इस तरह से रखने होते हैं, जब ही तो लगता है कि हम बिरयानी बना रहे हैं। ये छोटी छोटी सी टिप्स है जो आप ज़रूर इसको फॉलो किया करें। और मैं इलायची डालना भूल गई थी इसलिए मैंने अभी इलायची डाल दी है इसमें। अब हमें करना क्या है कि ये मैंने 1 बड़ा लेमन लिया है, इसको मैंने इस तरह से गोल गोल पीसेस कर लिए हैं, ठीक है। ये आप ये पूरा लेमन डाल दीजिए इस तरह से। और ये 3 से 4 अदद हरी मिर्च ली है, 2 मैंने काट दी है बीच में से इस तरह से, क्योंकि इनका फ्लेवर आए, और बाकी मैंने साबित रखी है, ठीक है। इस तरह से ये डाल दी, इसको आप थोड़ी सी देर के लिए, बस ज़्यादा नहीं करते हम इसको, बस थोड़ी सी देर के लिए इसको रखेंगे इस तरह से और कवर कर देंगे। और थोड़ा सा पुदीना, ताकि इसका भी जो खुशबू है वो हमारे कोरमे में आ जाए। बकाया का जो है वो हम तेल लगाते वक्त डालेंगे। देखिए, अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा कर लें कि हमारा जो कोरमा है वो इतना लिक्विड होना चाहिए। देखें, ये इसकी होनी चाहिए, इस तरह से ये होना चाहिए। ये देखें, बाज़ लोग इतना भूनते हैं बिल्कुल उसकी तरह कढ़ाई गोश्त की तरह कर देते हैं, नहीं। बिरयानी में हमेशा इस तरह से रहना चाहिए, जब ये चावलों में जाता है ना तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चावलों के अंदर सारा जब्स हो जाता है और बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। अभी हमने सब चीज़ें डाल दी हैं, अब 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसको रखना है, उसके बाद हम कर देंगे फ्लेम ऑफ। इसे हम कवर कर देते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए फिर हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ। जी देखिए, अच्छे से बॉयल हो चुका है
और ये हमारे आधे घंटे से भीगे हुए चावल हैं जो मैं इसमें डाल रही हूँ। बिल्कुल स्लोली स्लोली एहतियात से डालना है क्योंकि पानी बॉयल होता है तो थोड़ा सा खतरे की बात होती है कि ज़ाहिर इतना पानी गर्म है। तो बस आप इसको अच्छे से हिलाइए और इसको वेट कीजिए, खड़े रहिए, कहीं जाना नहीं है आपने, आपने चावलों के पास ही खड़े रहना है क्योंकि ये भीगे हुए चावल होते हैं और दो कनी छूटने में हमें बस दो ही कनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आप चावल के पास खड़े रहिए ताकि चावल हमारे बिल्कुल गल ना जाए जी। अब आप, मैं आपको दिखा दूँ चावल को, ये देखें इस तरह से, ये बेस्ट तरीका होता है कनी पहचानने का, ये देखें, ठीक है, ये हमारी कनी रह गई है, इतनी ही कनी रहनी चाहिए, दो या तीन, इससे ज़्यादा नहीं, वरना चावल क्या होंगे, बिल्कुल हलवा हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो कोरमा है वो देखें थोड़ा सा लिक्विड है, इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने बहुत ज़्यादा। ये देखिए मैंने चावल निथाड़ लिए हैं, आधे मैंने इसमें डाल दिए हैं और आधे मैंने इस तरह से देखें रोक लिए हैं, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, जैसे तेह वाली बिरयानी तो अब हमें तेह लगानी होगी, अब हम लगाते हैं तेह, ठीक है। अब हमें इस तरह से आप देखें इसको बिल्कुल ध्यान के साथ, आधा जो हमारा कोरमा है वो तो हम इस तरह से डाल देना है, ये देखें, ठीक है, हमने आधा डाल दिया है। खुशबू भाई माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब देखें बकाया हमने डाल दिया है, लोग पैकेट वगैरह डालते हैं, ऐसी बिरयानी बनाते हैं, बगैर पैकेट की खुशबूदार देगी बिरयानी, खाएंगे एक बार और बनाएंगे बार बार, इतनी लजीज बिरयानी होती है ये। अच्छे से आप चावल लीजिए क्योंकि चावल नहीं छोड़ना चाहिए। अब चावल ये हो गए, अब हमें इसमें डालना है जर्दे का, अब हमें ये, हमें एक तेल लगा दी है, अब हमें डालना है जर्दे का कलर। तो जर्दे का कलर आप देखें एक पिंच के बराबर आप लेंगे इस तरह से, बाज़ लोग खोल कर डालते हैं पर मैं खोल कर नहीं डालती, मैं इस तरह से डाल देती हूँ, ठीक है, ये हो गया। ये देखिए जर्दे का कलर इस तरह से डाल दिया, अब वापस मैं ये जो हमारा कोरमा था, अब इस तरह से हम इसकी वापस तेल लगाएंगे इस तरह से, ये देखिए ये इस तरह से हमने लगाई, सारा अच्छे से सारा डाल दिया, बस तेल का खास कर रखिए, रखा कीजिए, ये सारा हमारा हो गया है इस तरह से। अब हमें करना क्या है, ये देखिए पुदीना है, एक टमाटर मैंने काटा है और दो मैंने ये काटी है, इसमें इस तरह से करने डालने के लिए, ये होती है बेहतरीन, इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है जब हम दम देते हैं। तो अब टमाटर इस तरह से रखें, बहुत ज़बरदस्त, आप बनाएंगे एक दफ़ा ट्राई कीजिए, मेरे जैसे मैंने बनाई है, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इसको खाने में बनाने में। अब हम इसको दम देने वाले हैं, हमें दम देना है इसको किस तरह से, अब आप देख लीजिए, पहले अब हम इसको कवर कर दिया है, ठीक है, अब हमने इसे कवर कर दिया है, अब हम तेज फ्लेम करेंगे, आप देख सकते हैं, ये देखिए इतनी तेज होनी चाहिए क्योंकि हमें इसमें बनानी है भाप। भाप लोग क्या करते हैं, भाप नहीं बनाते, दम दे देते हैं, जिसकी वजह से उनके चावल नीचे से पक जाते हैं और ऊपर से कच्चे रह जाते हैं, यही वजह है। तो जब मैं भी कोई कुक करती हूँ तो देखिए साथ साथ आपको छोटी छोटी सी टिप भी बताती जा रही हूँ, अगर आप वो टिप फॉलो करेंगे तो बहुत ही उम्दा डिश आपके सामने आएगी बनकर, ये देखें। अभी आप देख सकते हैं कि देखिए मेरे हाथ आराम से रखा हुआ मैंने, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है क्योंकि अभी भाप जो है वो हमारे ढक्कन तक नहीं पहुंची है, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि इतनी तेज आंच कर दी है और हम वेट कर रहे हैं, नहीं, हमारी बिरयानी जल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जलेगी क्योंकि जो कोरमा था वो लिक्विड था, जिस वजह से हमारी बिरयानी बिल्कुल चावल नीचे से नहीं लगेंगे जी। अब हमारा ढक्कन गर्म होना शुरू हो गया है, देखिए अब मैं हाथ जो है नहीं रख पा रही, मेरा हाथ जल रहा है। अब ये जब ढक्कन तक भाप पहुंच गई, अच्छे से कवर हो गई, अब हम कर देते हैं फ्लेम को बिल्कुल स्लो, आप दिखा देती हूँ मैं आपको, इसे दम लगाते हैं, बस ये इस तरह से सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं करना है आपने, 5 से 7 मिनट के बाद ये दम होती है, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
जी जनाब, खुशबू आना शुरू हो चुकी है, इसका मतलब है दम अच्छे से लग गया है। अब हम दिखाते हैं चावल कि बिल्कुल चावल गल चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं, ठीक है। ये देखिए कितनी मज़ेदार, कितनी टेस्टी ये बिरयानी है। आप देख सकते हैं मेरे मुंह में तो बहुत पानी आ रहा है कि दिल चाह रहा है जल्दी जल्दी से गरम गरम बिरयानी खाई जाए और मसा जाए। जी ये आपने देखी, अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, जबरदस्त सी बेहतरीन देगी बिरयानी तैयार हो चुकी है और बहुत ही मजेदार है। आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं डाला, घर के मसाले हैं और उससे ही इतनी लजीज बिरयानी बन चुकी है। अब आप मुझे दीजिए इजाजत नई रेसिपी के साथ और जाइए जल्दी पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस डिश को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए बनाकर कि आपको ये कैसी लगी। अब मुझे दीजिए इजाजत। ओके, अल्लाह हाफिज़।